हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपकी लाई हूँ पनीर चिल्ली की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं पनीर चिल्ली। इसके लिए मैंने 500 ग्राम पनीर लिया हुआ है, एक शिमला मिर्च, दो प्याज कट करके रखे हुए हैं, एक आधा कप भर के लहसुन लिया हुआ है, आधा कप भर के अदरक है उसको बारीक बारीक चॉप किया हुआ है, और एक बड़ी मिर्च ली हुई है। अभी हम पनीर को मैरिनेट करेंगे और उसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने मैदा लिया हुआ है, वो जरूरत के हिसाब से हम इसमें डालेंगे। मैंने आधा कप भर के डाला हुआ है और उसे थोड़ी मात्रा में हम लगभग 3 बड़े चम्मच तक कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, और इसमें हम अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और हरे मिर्च की पेस्ट ऐड करेंगे, और एक चम्मच भर के हम उसमें सीजवान सॉस ऐड करेंगे, और रेड चिली सॉस ऐड करेंगे हम, थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करेंगे, और इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे, और स्वाद अनुसार नमक और हल्का सा पानी, और इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। तब कोटिंग हो जाना चाहिए हमारा आटा, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। जरूरत के हिसाब से आप इसमें पानी और मैदा ऐड कर सकते हैं। अच्छे से कोटिंग हो जाना चाहिए हमारा, पानी ज़्यादा नहीं लेना है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे हम। देखिए बढ़िया से मिक्स हो गया है हमारा बैटर। आप अलग बैटर भी बना के एक एक करके डिप करके भी तल सकते हैं, लेकिन ये इजी रहेगा और ये अच्छा ही बनेगा। अभी एक एक करके हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, ऑयल एकदम तेज गरम होना चाहिए। एक एक करके हम इसमें डालेंगे। पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है, देखिए कितना क्रिस्पी हो गया है। अभी हम इसको निकाल देंगे। हमारे सारे पनीर फ्राई हो चुके हैं, देखिए फ्रेंड्स कितने कुरकुरे हैं। चलिए अभी हम बनाते हैं पनीर चिल्ली की ग्रेवी। तो इसके लिए पहले एक पैन लीजिए, अगर आपके पास लोहे का पैन हो तो बहुत ही बढ़िया है, अगर ना हो तो इसमें भी चलेगा। फिर मैंने लाल मिर्च डाली हुई है, ये ऑप्शनल है। फिर इसके अंदर हम लहसुन ऐड करेंगे, थोड़ा फ्राई होने देंगे हम। लहसुन को फ्राई होने देंगे, उसका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए तब तक। अभी हम इसमें एक चुटकी भर के मरी पाउडर ऐड करेंगे। हम इसमें अजीनोमोटो नहीं डाल रहे हैं, और इसको डालना भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। और ये हमारा अदरक गया, इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक वगैरह फ्राई हो गया है, अभी हमें इसमें शिमला मिर्च और प्याज ऐड कर देना है। हमारा
हमारे प्याज और शिमला मिर्च ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अभी हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस डाला है मैंने, एक बड़ा चम्मच ही है, और रेड फूड कलर डाला है, और एक बड़ा चम्मच टोमेटो केचप डाला है, और एक बड़ा चम्मच चिल्ली सॉस डाला है, और रेड चिल्ली सॉस डाला है थोड़ा सा। अभी हम इसमें मैंने एक चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है, उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। और ये मैं दो चम्मच भर के इसमें अच्छा लगता है। अगर आपको ग्रेवी वाला बनाना है तो आप इसमें ढेर सारा पानी ऐड करिए, फिर इसमें कॉर्नफ्लोर की जेली डालिए। ये स्टेप में हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन ऑनियन चॉप किया हुआ डालेंगे, थोड़ी सॉस में डालेंगे, और हमने जो पनीर तला हुआ है वो इसमें डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे। हमारी पनीर चिल्ली अभी रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हमारी पनीर चिल्ली अब रेडी है। 2 मिनट तक हम इसको ऐसे ही थोड़ा गर्म करते रहेंगे। हमारी पनीर चिल्ली रेडी है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको सर्व करते हैं। बाय फ्रेंड्स।